Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर. आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री. मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पैसे के लिए बच्चों को बेचता था. इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है. वो लगभग 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे. तेलंगाना में आज से चुनाव प्रचार में तेजी देखी जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 चुनावी सभाएं होगी. हमास के साथ इसराइल की डील आज से लागू होगी. हमास आज से हर दिन 13 बंधकों को रिहा करेगा. महाराष्ट्र के टर्मिनल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला था. भेजने वाले ने विस्फोट को रोकने के लिए 48 घंटों के भीतर बिटकॉइन में $1 मिलियन की मांग की है. कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को स्वीकार कर लिया है. कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है. कॉर्पोरेटेड इंडिया की हेल्थ रिपोर्ट 2023 से यह पता चला है कि देश में मेडिकल खर्च की महंगाई दर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. 44 दिन बाद राजस्थान का चुनावी शोर थम चुका है. राज्य के 5,29,31,152 वोटर्स 1,875 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा और इसमें क्या क्या काम चल रहा है, इसे लेकर रेल मंत्री इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने आरोप लगाया हुआ है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों को पिछले साल जून में कोई व्हिप नहीं मिला था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेता एवं लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे ने गुरुवार को यहां राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रतिद्वंदी राकांपा समूह के नेता अजित पवार से मुलाकात की. शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है. शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने कहा कि उन्हें राहुल नार्वेकर दिल्ली जाना होगा. वह दिल्ली से आदेश मांगेंगे और फिर सुनवाई करेंगे. मुंबई के भाईखला इलाके में गुरुवार को 24 मंजिला एक आवासीय इमारत में आग लग गई, जिसके बाद 5 बुजुर्गों समेत 9 लोगों को दम घुटने की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौसम विभाग के मुताबिक कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की संभावना है. 25 और 26 नवंबर को मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक महिला डांसर ने अश्लील डांस किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई. ठाकरे समूह के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक शिंदे सरकार गिर जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं चलेगी और दिसंबर में यह सरकार गिर जाएगी. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मिचेल मार्श की उस तस्वीर पर निराशा जाहिर की है जिसमें यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पैर रखे हुए नजर आ रहा है. रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल साल 2023 की मच अवेटेड फिल्म है. रिलीज से पहले ही इस मूवी का क्रेज लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का ट्रेलर बीते दिन लॉन्च किया गया. वह इस दौरान रणबीर ने कहा कि अगर वे फिल्म के अपने इंटेंस किरदार के साथ घर जाते तो उनकी बीवी उन्हें पीटती थी. शेयर बाजार की शुरुआत आज फिर सपाट लेवल पर हुई है और ये सिलसिला 3 दिन से चल रहा है. हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी मिक्स ओपनिंग के साथ खुले हैं. ये थी आज की टॉप 20 खबरें. खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा. आप देखते रहिए NBCN News. नमस्कार.